आज की क्लास में हम पीएचपी के बारे में थोड़ा थ्योरी जानकारी लेंगे ताकि आपको पीएचपी के कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो जाए। हालांकि हमने पीएचपी के बारे में कुछ प्रैक्टिकल्स कर रखे हैं जिनमें हम पीएचपी की वर्किंग छोटे पैमाने पर देख रखी है। फिर भी यहाँ पर पीएचपी के बारे में आप जानेंगे तो पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर साइड की एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। यानी कि इसके लिए आपको सर्वर पर एक एप्लीकेशन या ऐप या बोला जाए तो एक सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम होता है ज़ैम्प, और ज़ैम्प के द्वारा इसकी कंपाइलेशन की जाती है। कंपाइलेशन के बाद आपका आउटपुट जो है वो HTML के फॉर्म पर डिस्प्ले होता है क्लाइंट मशीन पर। अगर आप एक ही कंप्यूटर पर क्लाइंट और सर्वर दोनों चला रहे हैं तो आपको लोकल होस्ट से इसको एक्सेस करना होगा, और लोकल होस्ट के लिए एक आईपी एड्रेस को रिजर्व किया गया है। वो आईपी एड्रेस है 127.0.0.1, जिसको हमने पिछली क्लास में करके देखा है। आगे हम देख रहे हैं कि पीएचपी की कुछ विशेषताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ फीचर्स हैं पीएचपी का कि उसको हम क्यों यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो पीएचपी का है वो है कि पीएचपी बहुत ही फास्ट होता है। यानी कि आप इसमें कोई वेबसाइट अगर डिजाइन करते हैं तो इसका कंपाइलेशन बहुत फास्ट होता है। पेज जो आपका जो वेब पेज है वो काफ़ी स्पीड से लोड होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका जो सिंटेक्स है वो बहुत ही कॉमन और सिंपल सा है। आपने अगर कोई और लैंग्वेज इसके पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है जैसे सी सी प्लस प्लस, तो उसको आप काफ़ी अच्छे से इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ उसके फीचर्स दिए हुए हैं और इसके बारे में आपको जानकारी मिली है, तो इस फीचर्स को आप पीएचपी के फीचर्स के रूप में लिख सकते हैं। पीएचपी के कई सारे वर्जन्स मार्केट में हैं, विंडोज के हिसाब से या लाइनेक्स के हिसाब से जो वर्जन आपके कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम को सूट करता है उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पीएचपी के वर्जन्स उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पीएचपी का जो फुल फॉर्म होता है प्री हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर है, और ये जो है इसके जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और भी उपलब्ध है जैसे JSP, ASP, लेकिन ये सबसे फास्ट वर्क करता है क्योंकि इसका जो सिंटेक्स और जो कंपाइलर है बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह पूरे सिंटेक्स इसमें यूज किए जाते हैं। PHP को HTML के साथ एम्बेड किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा था कि PHP का एक टैग होता है, PHP टैग ओपन करिए, PHP टैग को क्लोज करिए, और HTML फाइल में ही PHP टैग के बीच में आप सारे कोड्स को उसमें एम्बेड कर सकते हैं, यानी HTML के साथ ही उसको ऐड किया जा सकता है। PHP एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, और इसमें बड़े कोड को काफ़ी आसानी से विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी हम हैंडल कर सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, और PHP उसको सपोर्ट करती है। PHP जो है ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी PHP का जो स्क्रिप्टिंग है या उसके जो सर्वर साइड की कोडिंग है वो आप ओपन सोर्स देख सकते हैं, और उसको मैनिपुलेट करके आप अपना खुद का वर्जन लॉन्च कर सकते हैं। PHP बहुत ही सिंपल और इजी है, इसको काफी आसानी से सीखा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हम वाई यूज PHP, PHP का यूज हमें क्यों करना है चाहिए। PHP को का यूज हम कर सकते हैं डायनेमिक कंटेंट को हैंडल करने के लिए। यानी कि डायनेमिक हम किसी भी कंटेंट को रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे आप अपना रिजल्ट देखते हैं, आप अपना रोल नंबर देते हैं, तुरंत आपका रिजल्ट जो है HTML के फॉर्म पर PHP के कंपाइलर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और वहां से एक HTML फाइल सेंड कर दी जाती है। क्लियर है? जैसे ही आप प्रिंट करते हैं वहां से PDF फाइल बन के डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरीके से डायनेमिक कंटेंट को चेंजेस करने के लिए हम PHP का यूज कर सकते हैं। HTML हमें अलाउ नहीं करता कि डायनेमिक कंटेंट को हम चेंज करें। डायनेमिक कंटेंट को चेंज करने का काफ़ी सारा एग्जांपल आप अपने फॉर्म भरते समय जो पेज आते हैं उनमें देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे पेजेस HTML में बने हों, PHP में बने हों, PHP जैसी कोई दूसरी टेक्निकल लैंग्वेज में बने हो सकते हैं।
पीएचपी में आप सेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं। सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। सेशंस जो होते हैं वो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को यानी कि ऑथेंटिकेशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी कि अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड गलत देते हैं तो आप पेज का यूआरएल पता होने के बावजूद भी आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। यानी कि पेज का लोकेशन, पेज की सारी डिटेल्स आपके पास है लेकिन बिना सेशन के पेज को लोड आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि बिना फेसबुक का जो है पासवर्ड आप नहीं डाले हैं तो आपका पेज कोई लोड नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने का भी की सुविधा आपको पीएचपी में मिलेगी। इसके अलावा कुकीज़ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सब फीचर्स में भी आ सकते हैं, फीचर्स में भी आप लिख सकते हैं कि पीएचपी के ये सब फीचर्स हैं। कुकीज़ को भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कुकीज़ एक छोटी फाइल होती है जो कि क्लाइंट साइड में स्टोर की जाती है किसी वेब पेज के द्वारा, और इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन पहले से रखी जाती है ताकि आपका वेब पेज जो है वो तेज़ी से वर्क करे। उसके बाद ये आपको इनक्रिप्शन की फैसिलिटी भी देता है। इनक्रिप्शन की फैसिलिटी का मतलब है कि अगर आप अपना कोई सिक्योर डेटा सेंड कर रहे हैं क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन पे, उसके बीच में ये चीज़ें जो हैं कोई हैक ना कर ले, इसलिए पीएचपी आपको इनक्रिप्शन की सुविधा भी देता है। इनक्रिप्ट करके डेटा भेजेगा और फिर डिक्रिप्ट करके वहाँ पर ओरिजिनल डेटा निकाला जाता है। इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी का यूज़ किया जाता है पीएचपी में, और उसके द्वारा इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है ताकि आपका डेटा बीच में हैक ना हो। अगला पॉइंट जो है, पीएचपी जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस को भी सपोर्ट करता है, पॉप यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल्स, एसएमटीपी, एसएनटीपी और बहुत सारे और प्रोटोकॉल्स हैं, माइम वगैरह को भी सपोर्ट करता है। मतलब मैक्सिमम प्रोटोकॉल्स को ये सपोर्ट करता है जिससे आप अपने वेब पेज को काफ़ी पोर्टेबल बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, आप यूज़र कंट्रोल भी कर सकते हैं इसमें। आपने देखा है कि कंट्रोल पैनल हमारे पास होता है पीएचपी का, उससे हम डेटाबेस के पैनल को कंट्रोल और पीएचपी के सर्वर और उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपका पीएचपी का इंस्टॉलेशन काफ़ी ईजी होता है और उसका सेटअप भी काफ़ी ईजी होता है। तो पीएचपी का इंस्टॉलेशन के लिए आपको जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करना होता है। याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से जैम्प सर्वर के अलग अलग वर्जन्स आते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जैम्प सर्वर सूट करेगा आपको वो वर्जन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ वर्जन्स जो हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट नहीं करते, खास करके लिनक्स और मैक के लिए अलग अलग वर्जन आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप जिस मशीन पर, आपकी जो सर्वर है, आप अपनी वेबसाइट जिस पे होस्ट करने वाले हैं वो सर्वर किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। ज़्यादातर सर्वर्स जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाए जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी कंट्रोल लिनक्स हमें देता है, प्लस हैकिंग की सुविधा, हैकिंग जो है वो जल्दी नहीं होती है उसमें, ऑथेंटिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है और वायरस का जो अटैक है वो भी बहुत कम होता है। तो 99% जो सर्वर्स हैं वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर जो पीएचपी इंस्टॉल किए हैं, जो जैम सर्वर हमने इंस्टॉल किया है, ये विंडो बेस्ड है और ये विंडोज 7 पे हम अभी रन कर रहे हैं। पीएचपी में हम फॉर्म्स को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमने फॉर्म टैग देखा है एचटीएमएल में, HTML में हम फॉर्म टैग पढ़े हैं, PHP के द्वारा उससे कम्युनिकेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से PHP के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन हमने देखी है और आगे फिर और देखते हैं। तो PHP के फीचर्स को अगर पॉइंट वाइज देखा जाए तो हम उसको इस तरीके से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके पहले जो भी डिटेल्स पढ़ी उनको हम पॉइंट वाइज ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पीएचपी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। बोलने का मतलब है कि ये फास्ट लोड होता है, कुकीज़ वगैरह होती हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। उसको एक वर्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं कि पीएचपी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है। ओपन सोर्स है, इसका मतलब है पीएचपी का जो सोर्स कोड होता है पीएचपी के कंपाइलर का, वो नेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उसमें मैनिपुलेशन करके नया वर्जन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से
खुद का नया वर्जन आप लॉन्च कर सकते हैं। अगला जो है इसका फीचर, उसको एक वर्ड में लिखा जा सकता है कि ये फेमिलियरिटी देता है सिंटेक्स में। इसका जो सिंटेक्स है वो दूसरी पुरानी लैंग्वेजेस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपने अगर पुरानी लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस वगैरह पढ़ी हैं या जावा पढ़ा है, तो आपको इसके सिंटेक्स बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे और उससे मिलता जुलता सिंटेक्स आपको दिखेगा। अगला जो पॉइंट है वो एम्बेडेड है। पीएचपी का कोड एचटीएमएल के साथ काफ़ी आसानी से एम्बेड किया जा सकता है पीएचपी टैग के द्वारा, और ये स्क्रिप्टिंग हमको देता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, यानी कि पीएचपी के जो सर्वर हैं वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध हैं। आप इसको पीएचपी को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं, जैसे विंडोज़, मैक, लिनक्स, यूनिक्स, सभी के लिए इसके वर्जन्स उपलब्ध हैं। इसको एक वर्ड में बोला जा सकता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि आपका जो सर्वर है विंडोज़ का हो, मैक का हो, यूनिक्स हो, लिनक्स हो, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सभी के सर्वर सॉफ्टवेयर जो हैं डिफरेंट हैं, तो आपका कोड करते समय आपको ध्यान नहीं देना है, बट केवल सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के समय आपको ध्यान देना होता है, वो सर्वर सर्विस प्रोवाइडर का काम है। तो डेवलपर को यहाँ पर प्लेटफॉर्म के बारे में ध्यान देकर के कोड करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही अच्छा फीचर है कि आपको सर्वर पर कौन सी मशीन बैठी है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा है, उसका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इस फीचर को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कहा जाता है। ये सेम उसी तरीके से होता है, जिसका एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि अब मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट हिंदी में बनाई है मैंने, तो वो उस वेबसाइट को अगर मैं किसी सर्वर पर होस्ट करता हूँ तो वेबसाइट का एरिया काफ़ी छोटा हो जाएगा, केवल इंडिया में ही उसको ओपन किया जाएगा और समझा जाएगा। जैसे हम कुछ वेबसाइट्स ओपन करते हैं और उसमें चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा होता है, वो वेबसाइट हमारे किसी काम की नहीं होती है, क्योंकि वो लैंग्वेज डिपेंडेंट वेबसाइट होती है। यहाँ पर देखिए मैंने लैंग्वेज डिपेंडेंट वर्ड यूज़ किया है। लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा कि आप उस वेबसाइट के कंटेंट को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं उस वेबसाइट को लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बना दूँ किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो कि अभी गूगल करता है कि वेबसाइट को लैंग्वेज इंडिपेंडेंट बना देता है। आप एक वेबसाइट को यूनिकोड में कन्वर्ट करके होस्ट करते हैं और इंडिया में जब उसको खोला जाता है तो वो हिंदी में डिस्प्ले होता है, चाइना में खोला जाता है तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज में डिस्प्ले होता है, और यूएसए में खोला जाता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्प्ले होता है। तो यूनिकोड जो एक फॉर्मेट है जो गूगल ने बनाया है, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी देता है। मतलब आपको लैंग्वेज के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, अपनी वेबसाइट को आप यूनिकोड में लिखिए और यूनिकोड को उस वेबसाइट को जिस कंट्री में ओपन किया जाएगा उस लैंग्वेज में वो डिस्प्ले करेगा। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी को बनाने के लिए गूगल जो है पीछे से सपोर्ट करता है। यहाँ पर पीएचपी का जो सर्वर है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी आपको देता है। तो मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगला इम्पॉर्टेंट फीचर है कि डेटाबेस सपोर्ट। पीएचपी माई एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइट, ओडीबीसी से कनेक्टिविटी की फैसिलिटी देता है। यानी कि यूज़र से प्राप्त किए हुए डेटा, जो क्लाइंट मशीन अपने डेटा को सबमिट करते हैं, वो डेटा को आप मैनेज कर सकते हैं इन सभी के द्वारा। और आपने देखा भी है कि माई एसक्यूएल का सर्वर जो है ज़ैम्प में पहले से होता है। तो इस चीज़ों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको एक वर्ड में लिखा जाता है कि डेटाबेस को सपोर्ट करता है। एरर रिपोर्टिंग अगला जो फीचर है पीएचपी में, अगर आपको पीएचपी के कई सारे जो कंपाइलर होते हैं उसमें पार्सर्स होते हैं, और पीएचपी की कंपाइलेशन के दौरान वो आपको एरर की रिपोर्टिंग भी देते हैं। एरर की रिपोर्टिंग, जैसे आपने पीएचपी में कोई गलत कोड लिखा, कोई सिंटेक्स गलत लिखा, तो रन करने के दौरान वो आपको एरर की रिपोर्ट भी देगा, जो कि जावास्क्रिप्ट वगैरह में आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर अगला जो फीचर है ये आपको दिया हुआ है कि लूजली टाइप लैंग्वेज, इसको एक वर्ड में लिखा गया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर जो डेटा टाइप्स वगैरह है उनका जो डिक्लेरेशन है वो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऑप्शनल होती है। यानी कि डेटा टाइप को आप डिक्लेयर नहीं करेंगे, जैसे सी लैंग्वेज में आप देखें तो वहाँ पर इंट आई लिखना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप आई को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी फैसिलिटी नहीं है, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन होता है जैसे जावास्क्रिप्ट में
होता है। तो इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन भी कई जगहों पर होता है। देखिए पीएचपी जो है उसमें कई सारी चीज़ें आधे जगहों पे होगी, कहीं सारी चीज़ें आधे जगह पे नहीं होगी। जैसे केस सेंसिटिविटी कई जगह पर होगी, कई जगह पर नहीं होगी। तो पूरी तरीके से इसमें दो तीन चीज़ें मिक्सअप रहती हैं, तो इसलिए इसको लूज़ कहा जाता है। क्लियर है? तो एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है कि ये वेब सपोर्ट देता है हमको, वेब सर्वर का सपोर्ट देता है। ये आपने देखा है कि वेब सर्वर के सपोर्ट्स को हम कैसे यहाँ पर देखें। सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी भी आपने देखा है, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के द्वारा सिक्योरिटी देती है। सिर्फ आउटपुट आपको दिखाई देता है, कोड दिखाई नहीं देता, उसके साथ ही साथ आपको कंट्रोल पैनल के द्वारा सारे कंट्रोल्स भी देता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। कल की क्लास में हम थ्योरी में ही इंस्टॉलेशन का थ्योरी और आगे कुछ सिंटेक्स की थ्योरी भी देखेंगे। अभी की क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।